हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। आई एम रितिका एंड बैक विद न्यू वीडियो। की बात करूँ तो मेरे पास ब्लश में तीन ऑप्शन हैं। सबसे पहला है, ये मेरा फेवरेट है और ये है कलर बार का कोरल क्रेविंग, ये देखिए। और ये आता है 450 का। मुझे ब्लशर में बिल्कुल बैड ब्लशर चाहिए, उसमें चंकी चंकी सा पार्टिकल जो होता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो ये कलर बार का उसी तरह से है, मुझे इसमें बिल्कुल इसमें चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है और ये आपको सॉफ्ट मैट लुक देता है। सो मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ये 450 का आता है। स्विस ब्यूटी का क्रीम इन टिंट। और गाइस, ये ना अगर आप मॉर्निंग में आप नहावा के आए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप मेकअप करो या कुछ भी। सो उस टाइम पर अगर आपने काजल लगा के लिपस्टिक लगा लिया, आपने ये लेके और ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर लिया, एकदम ऐसे लगेगा कि मतलब कि नेचुरल स्किन ग्लो कर रही है। सो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी, अगर न्यू मैरिड नहीं भी हो तो भी गाइस आप इसको एक बार ट्राई करके देखना। हम कहीं जा रहे होते तो ऑब्वियसली कोई भी पूरा मेकअप वगैरह नहीं करते। मार्स का, सो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। 1 और 2 ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है, सो आप ये ले सकते हो। देन इसके बाद ये इसमें एक पफ मिलता है ये इस तरह से, सो आप इसको करके इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सो मुझे ये इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। सो आपको अगर आप बीबी क्रीम भी लगा रहे हो उसके ऊपर आपने ये लगा लिया तो अच्छी खासी कवरेज दे देता है। तो ये 300 का आता है, मार्स का ही हाइलाइटर है और ये आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट किया था। सो उस टाइम पे मैंने भी देखा था और मैं इसको लेके आई थी गाइस, और ये मेरा रोज गोल्ड शेड है। सो अगर आप नेचुरल लुक चाहते हो तो आप रोज गोल्ड लेना, आप इसमें से गोल्ड लेना गाइस, गोल्ड इसका बहुत ऑसम है, काफ़ी पसंद आया एक्चुअली। प्राइस वाइज भी और इसका वर्क भी बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है ये रोज गोल्ड है तो थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है, बट आप इसमें से गोल्ड लेना गाइस, गोल्ड इसका बहुत अच्छा है। तो मैंने ये ख़रीदा था एक्चुअली, उस टाइम पे मैंने साई स्टाइल की वीडियो देखी थी, वो रोज गोल्ड के हाईलाइटर बहुत ज़्यादा यूज करती हैं, वो 80 का मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें आपको छोटा सा मिरर मिलता है, अनियंस रहता है मिरर के साथ में। सो मैं कंसीलर के लिए भी दो सजेस्ट करूंगी, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये बहुत अच्छी कवरेज देता है। देन इसके बाद ये है मार्स का कंसीलर, ये भी बहुत अच्छी दे। दोनों में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या कहूँगी, प्राइस वाइज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये 199 का मिलता है और ये भी 199 के आसपास का ही है। डिस्काउंट चेकआउट करते रहना, उसमें आपको बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अमेजोन पे भी देखना, फ्लिपकार्ट पे सेम टाइम पे देखना, सब पे ऐड टू कार्ट कर देना। देन जिसमें जो भी ज़्यादा अच्छा प्राइस आपको डील मिले आप तब बाय करना। सो मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तब तो आप 100% यही लो, पर अगर आप ऑयली स्किन है तो ये लो, ये थोड़ा सा ना ड्राई होने में टाइम लेता है। और इसके मार्स वाले कंसीलर के बारे में सब कहते हैं कि ये ड्राई कर देता है स्किन को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता, ब्लेंड भी होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में इसको यूज किया है, अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने इसको यूज किया है। तो दोनों ही अच्छे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्किन के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। ये है मेरी स्विस ब्यूटी की सॉफ्ट लिक्विड लिप शेड और मुझे 100 की, सो नहीं करती है अभी, मैंने यही अप्लाई कर रहा है। सजेस्ट करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो, अगर आप पेंसिल वाली लेते भी हो गाइस, मैंने सुगर की ली थी तो अब तक 2-3 यूज कर चुकी हूँ, ये भी कम होती है। एंड अगर आप इस तरह से ये वेट एंड वाइल्ड का लोगे तो मैंने अब तक इसमें कम से कम नहीं तो 250-300 मेकअप कर लिए होंगे, लेकिन 200 के आसपास मैंने मेकअप किए होंगे। मैं खुद का भी करती हूँ, क्लाइंट का भी करती हूँ, मेरे पास पैक का भी है तो मुझे पैक का उतना अच्छा नहीं लगा। सो गाइस, ये देखो अभी तक ऐसे लग रहा है कि ये न्यू की न्यू है, इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट यूज नहीं। आपको एक वैक्स मिलती है, देन 2 कलर मिलते हैं, आप अपने आईब्रोज़ को मिक्स एंड मैच करके, अगर लाइट है तो आप उसी अपने आईब्रोज़ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, अदरवाइज मिक्स मैच करके यूज़ कर सकते हो। जाएगा 200 में, आई थिंक अमेजोन से मैंने बाय किया था, सो ये बेस्ट डील आ रहा। और ये है मैबलिन का, सो मुझे अभी तक मैंने बहुत सारे मस्कारे यूज किए हैं, मेरे पास मार्स का भी है। मार्स का तो मैंने 1 ब्रांड मेकअप किया था, वहीं पे बोल दिया था कि मार्स का मस्कारा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उसका वाटर प्रूफ वाला भी है। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी वाटर प्रूफ वाला बिल्कुल मत लेना, वो निकालते निकालते आपकी आइज से मतलब आपकी पलके भी निकल जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम होती है। आप चाहे उसको मेकअप रिमूवर के साथ रिमूव करो लेकिन वो बाद में निकलती रहती है पलके, मुझे मैंने देखा। मैजिक का भी मस्कारा है, सो ओके टाइप का ही है। सो अभी तक मैं बोलूँ तो मैबलिन से बेटर मस्कारा नहीं है। और आप डिफरेंट आई मेकअप करना चाहते हो, वाइब्रेंट से कलर चाहिए, सो ये 200 का आता है। ये मार्स का पर्स आई शेडो, जिसके नाम से ही आपको लग रहा होगा ये पर्स आई शेडो है, आप इसको आराम से बैग में कैरी कर सकते हो अपने। सो इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाते हैं, ये 2 ग्रीन और पर्पल आपको सिमरी शेड मिलते हैं, बाकी ये सारे
मैट कलर हैं, सो ये काफ़ी अच्छा आई शेडो है गाइस। इसको मैं अगर अपने मोर्फी के पैलेट से कंपेयर करूँ तो ये मोर्फी की तरह ही बटरी सा ब्लेंड होता है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेकअप चाहते हैं तो आप ये वाला रख सकते हैं। चार शेड आपको यहाँ पे सिमरी मिलते हैं, बाकी आपको 2, 3, 4, 5 शेड आपको मैट मिलते हैं, सो आप ये भी रख सकते हैं। और ये आता है 400 का, ये निका का ऑप्टम स्पाइस पैलेट है। लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।